हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कैपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, बहुत सारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए कॉस्ट कटिंग करती है अपने अपने प्रोडक्ट्स पे, बट इस टाइम मारुति ने जो किया है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, अब ब्रेजा के सारे मैनुअल वेरिएंट से इन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड का फीचर हटा दिया है, जो कि इस कार का सबसे जरूरी फीचर था एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था इस कार के लिए, जिसने इस कार को बाकी सेगमेंट की कार से एक अलग पोजीशन पर आके खड़ा किया था। अब वो फीचर्स आपको इसके मैनुअल वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऑटोमेटिक वेरिएंट में अभी भी ये फीचर आ रहा है, बट मैनुअल वेरिएंट से हटा दिया गया। इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट में अगर आप देखोगे तो आपको हिल लोड असिस्ट का फीचर अब सीएनजी वेरिएंट में भी नहीं मिलेगा। तो सीएनजी वेरिएंट से भी उन्होंने फीचर्स के साथ कॉस्ट कटिंग करी है, प्लस उन्होंने सारे मैनुअल वेरिएंट से हाइब्रिड और स्मार्ट ब्रेक का ऑप्शन तो हटा ही दिया है। तो यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने हटा दिया, ठीक है हटा दिया, उसके साथ आपने प्राइस वही रखा, प्राइस पहले वाला ही पे कर रहे हो आप, कंज्यूमर पहले ही वाला प्राइस पे कर रहा है अभी भी, बट आपने फीचर्स वहां से कट कर दिए। आपको उस हिसाब से इसके प्राइस में भी कट करना चाहिए था आइडली देखा जाए तो। इसीलिए कई सारे कस्टमर चीटेड फील कर रहे हैं और लोग नाराज हैं मारुति के स्टेप से, और मुझे भी लगता है और एक नॉर्मल बंदे को भी लगेगा, यार जब मैं पे कर रहा हूँ और उस हिसाब से मेरे प्रीवियस कंज्यूमर जो था उसको वो फीचर्स मिले थे और मुझे नहीं मिल रहे, तो हर किसी बंदे को लगेगा, फील होगा। एंड जो ये मारुति को नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्राइस पे भी उस हिसाब से कट करना चाहिए था। आपने प्राइस सेम रखा है एंड फीचर्स हटा दिए कार से। मेरे अकॉर्डिंग जो अगर आप उसका जो माइल्ड हाइब्रिड का सेटअप देखोगे, उसमें जो मोटर इंस्टॉल होती है, जो बैटरी इंस्टॉल होती है, उसका मेरे अकॉर्डिंग जो मोटा मोटा जो खर्चा आता है वो अराउंड 1.5 लाख के आसपास का है। आपने 1.5 लाख का फीचर कार से हटा दिया एंड आपने प्राइस में कोई कट नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मारुति जैसा मैन्युफैक्चरर जो इतने बड़े लेवल पे इंडिया पे कार सेल करते हैं, लोग इतने टाइम से मारुति पे ट्रस्ट है, लोग बिना कुछ देखे मारुति की कार्स ऑप्ट करते हैं, उन लोगों को चीटेड फील होगा ऑब्वियसली। आप उनको वो वैल्यू ही नहीं दे रहे जो वो पे कर रहे हैं उस हिसाब से। तो ये बहुत डिसीजन मुझे समझ नहीं आया मारुति ने किस हिसाब से ये डिसीजन किया है। ब्रेजा बहुत अच्छा कर रही थी रिसेंट टाइम पे, अगर आप उनकी सेल्स फिगर पे भी ध्यान दोगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ब्रेजा, बट ये जो स्टेप लिया गया है इसके बाद ब्रेजा की सेल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा मैं कह नहीं सकता, बट जरूर मुझे ऐसा फील होता है कि जरूर अब ब्रेजा की सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इस प्राइस रेंज पे आपके पास और सारे अदर ऑप्शंस भी खुल गए हैं। बिकॉज जो चीज ब्रेजा को स्टैंड आउट कर रही थी, जो ऑप्शन जो इसमें फीचर्स आ रहा था माइल्ड हाइब्रिड का, जो स्टैंड आउट कर रहा था ब्रेजा को और इसके सेगमेंट की कार से, अब वो फीचर्स आपने इससे हटा दिया तो कंज्यूमर्स के पास और सारे ऑप्शंस भी खुल गए हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट में, वेन्यू आप देख सकते हो इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो, बट नेक्सॉन का मैं फिर भी बोलूंगा आप फेसलिफ्ट का वेट कीजिए, फेसलिफ्ट आ रहा है नेक्सॉन का बहुत जल्दी, तो फेसलिफ्ट का वेट करिए नेक्सॉन में, वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील होगी आपके लिए। आप सोनेट की तरफ जा सकते हैं, सोनेट भी एक अच्छा ऑप्शन है सेगमेंट में। तो बहुत सारे ऑप्शंस और खुल गए हैं हम कंज्यूमर के लिए, एंड कंज्यूमर डेफिनेटली अब और ऑप्शंस की तरफ भी देखेगा। तो ये जो स्टेप था मारुति का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि मारुति ने सही किया है कि प्राइस उन्होंने कट नहीं किए बट फीचर हटा दिया, तो आपको क्या लगता है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट मैंने कई सारी वीडियोज ऐसी भी देखी जिसमें लोग कह रहे हैं कि यार फीचर्स हटा दिया, बुकिंग कैंसिल करो, बुकिंग कैंसिल करो, अब उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है कार। तो मैं उस बारे में एक बात बोलूंगा, यार अभी भी ऐसा मत बोलिए कि कार अभी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज इस सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन यही कार आपको ऑफर कर रही है, 1.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन, और कोई कार आपको इतना बड़ा इंजन 1.5 लीटर का नहीं ऑफर कर रही। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल लूंगा कि कार बिल्कुल ही बेकार हो गई है। इससे पहले वाले वेरिएंट में भी अगर आप देखोगे, जो ब्रेजा का पहले आता था, इससे पहली जनरेशन, उसमें भी माइल्ड हाइब्रिड नहीं था, बट फिर भी कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, और ये इंजन अपडेटेड इंजन आ रहा है तो ये अभी भी कार अच्छी कार है। बट हाँ, ये जो चीज हुई है कि फीचर्स हटा देना, प्राइस कट नहीं करना, वो चीज गलत हुई है, उस पर मैं एग्री करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन अभी भी बेकार है, अभी भी 1.5 लीटर अगर कार इंजन ऑप्शन आपको मिल रहा है तो एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपको। बट पॉइंट यार यहाँ पे ये नहीं है कि क्या इंजन ऑप्शन मिल रहा है, पॉइंट ये है कि अगर आपने फीचर्स हटाए हैं तो उससे आपको प्राइस भी कट करने चाहिए कार के। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ अलग हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो मेरी ओपिनियन तो यही यार, एंड मुझे मेरे को लगा नहीं था मारुति इस तरह का स्टेप लेगी, बिकॉज नॉर्मली जब इतना बड़ा कोई फीचर कट डाउन किया जाता है किसी प्रोडक्ट से, तो उस हिसाब से प्राइस में भी आपको वो कट डाउन दिखता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था. एंड एंड विल सी कि अब ब्रेज़ा के परफॉर्मेंस, सेल परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है इसका, एंड ब्रेज़ा की क्या सेल्स रहती है आने वाले टाइम में. तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो ऑल्सो. एंड गाइस अगर आप लोग भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.